मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सीहोर जिले के भेरुंदा में ग्राम विकास सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान और प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत अन्य मंत्रीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल हिल के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 किलोमीटर की नई पक्की सड़कों का शिलान्यास, ग्राम सड़क सर्वेक्षण एवं प्लानिंग टूल व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासीय सखी ऐप का शुभारंभ व 100 सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 7 जिलों में उन्नत कृषि प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन, प्रदेश के 5 नए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु स्वीकृति, 12 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के 14,552 कार्डधारी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के 52,818 संग्राहकों को 2,69,00,000 की बोनस राशि का वितरण, साथ ही बांस मिशन योजना के अंतर्गत 215 बांस हितग्राहियों को 1,04,00,000 की अनुदान राशि का अंतरण किया। साथ ही स्वयं सहायता समूह को 50 करोड़ की चक्रीय निधि व 100 करोड़ के बैंक ऋण का अंतरण किया तथा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, आज ही कई बड़ी सौगातें दी गई है। गरीब और किसान कल्याण की दिशा में नए कीर्तिमान बनते जा रहे हैं। गांव-गांव में जिन जरूरतमंदों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं, इसके लिए फिर से सर्वे शुरू किया गया है। भेरुंदा में आयोजित हुए ग्राम विकास सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र के चारों नगरीय निकायों को 8 करोड़ की राशि देने, सीएम राइज स्कूल निर्माण के साथ कई अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। भेरुंदा में आयोजित ग्राम विकास सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो में सहभागिता की, जहां नागरिकों ने मुख्यमंत्री जी का अपार उत्साह के साथ आत्मीय स्वागत किया। नवरात्र की शुभ घड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिद्धपीठ सलकनपुर भी पहुंचे और मां विजयासन देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री जी ने सलकनपुर में देवीलोक के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां बन रहे देवीलोक मॉडल के स्वरूप का अवलोकन कर किए जा रहे कार्यों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।